तो गाइज आप यहाँ अंकल जी देख रहे हैं और इनका एक स्टाइल है बड़ा यूनिक सा। तो ये पॉपकॉर्न बनाते हैं, तो कैसे अंकल जी? तो ये क्या कर रहे हैं? क्या डाल रहे हैं? फॉर्चून का क्या बात है। तो गाइज यहाँ आप मशीन देख सकते हैं, तो ये मशीन आप देख सकते हैं। तो अंकल जी मशीन कैसे काम करती है बताएंगे कुछ? और कुछ यूनिक सी लग रही है, मतलब जो पॉपकॉर्न की होती है वो बड़ी सी होती है और ये कुछ अलग सी है। ये अलग सी बनवाया गया मशीन। अच्छा बनवाया गया। तो यहाँ गाइज देख सकते हैं, यहाँ आ चुके हैं मक्के, क्या बात है। तो यहाँ पे अंकल जी घुमा रहे हैं। और अंकल जी इसमें क्या क्या डलता है? नमक मसाला। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे अंकल जी ने नमक मसाला डाला और मतलब कुछ अलग सा ही लग रहा है। अंकल जी नाम क्या है आपका? बौवा मुखिया। आरजे वाला बौवा या दूसरे वाला बौवा? बौवा मुखिया। तो कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से यहाँ पे आए हैं दिल्ली में, क्या बात है। तो एक बार ये टाइमिंग बताएंगे कि कितने टाइम आप आते हैं? 3:30 बजे आ जाते हैं। और ये कितने मतलब कर देते हैं ये जो पैकेट से आपने बनाए हैं? 20 का। अच्छा क्या बात है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ अंकल जी धीरे धीरे घुमाए जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ आवाज़ सी तो आई नहीं अंकल जी बनने की। इसके नीचे क्या लगा हुआ है? गैस है। अच्छा इसके नीचे गैस लगी हुई है, क्या बात है। तो गैस देख सकते हैं मतलब थोड़े पुराने टाइम का है और यूनिक है कि खुद आपने खुद बनाई अंकल जी? बनवाए हैं। कितने की? ये 7,000। 7,000 की। अंकल जी कितने साल हो चुके हैं मशीन को? 6-7 साल हो गए। और यहाँ पे अंकल जी घुमा रहे हैं और गैस आवाज़ आनी शुरू हो चुकी है पॉपकॉर्न की और धीरे धीरे अब आवाज़ आ रही है, क्या बात है। तो कितना टाइम लग जाता है अंकल जी बनाने में इसमें पॉपकॉर्न जो यूनिक स्टाइल से आप बना रहे हैं? 4 मिनट लगते हैं। 3-4 मिनट, क्या बात है। तो गाइस 3-4 मिनट में हमारे पॉपकॉर्न बन जाते हैं। और ये जो आप ये अपनी रेडी है ये कहाँ पे खड़ी होती है वैसे? एड्रेस बताएंगे आप कहाँ पे मिलेंगे अगर कोई आना चाहता तो? गाइस रजौरी गार्डन जो है वहाँ पे अंकल जी मिलेंगे, आप आइए। और यहाँ पे आप पॉपकॉर्न दे सकते हैं, पॉपकॉर्न आ चुके हैं बाहर, क्या बात है अंकल जी। और पॉपकॉर्न जैसे आप देख सकते हैं मतलब उछाल मार मार के बाहर आ रहे हैं। तो एक अंकल जी हमारे भी बना दीजिए। अरे गाइस देख सकते हैं यहाँ अंकल जी ने उल्टा दिया और पॉपकॉर्न देख सकते हैं कितने सारे निकले एक बारी में, क्या बात है। और यहाँ नीचे गैस लगी है और यहाँ पे भैया ने हमारे टब भर दिया पूरे पॉपकॉर्न से। और यहाँ आ चुका है चाट मसाला भैया, क्या बात है। तो यहाँ चाट मसाला आ चुका है, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे। गाइस आप आइए रजौरी गार्डन दिल्ली के अंदर, ठीक है। अंकल जी से मिलिए और पॉपकॉर्न इनके जरूर टेस्ट करिएगा, ठीक है। और यूनिक स्टाइल है और बंद करने का भी एक थोड़ा यूनिक सा है, मतलब अलग सा ही स्टाइल है। अब आपको पॉलीथीन की पैकिंग दिखाएंगे कि पैकिंग कैसे करते हैं अंकल जी। रबड़ वगैरह कुछ यूज़ नहीं होगी, ये करा और ये बंद, सिंपल सा यूनिक सा तरीका।